मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और देखिए तैयार हो चुकी हूँ। आज मैं वॉक करूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, तो बस थोड़ी देर में निकलूँगी पानी वगैरह पी के। वैसे मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज वॉक ही करूँगी क्योंकि कल रात भर बारिश हुई है और फिर रास्ते भर में ना गड्ढे होते हैं, पानी भरा हुआ होता है तो मोमेंटम नहीं बनता है। और एक बार तो मैं गिरते गिरते बची थी पानी गड्ढे में, मतलब दिखता नहीं है ना, रास्ते भर पानी भरा हुआ है और कल काफ़ी बारिश हुई है। तो बस आज लंबा वॉक करके आऊँगी और बस मिलती हूँ आपसे रास्ते में, जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ आपसे बात करती रहूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए काफ़ी घने बादल हैं, लग रहा है ये बारिश हो जाएगी बस अब थोड़ी देर में। रोड भी गीली है पूरी, रात भर बारिश हुई है कल। अच्छा, मेरे पीछे ना आपको विकास मॉल दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। छोटा सा मॉल है लेकिन अच्छा है, इसमें PVR भी है। वेदर बहुत ही प्यारा हो रखा है, बहुत ही सुहाना हो रखा है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए कुछ गुनगुना देती हूँ आप लोगों के लिए सुबह सुबह। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। वेल, मौसम तो वाकई में बहुत हसी है लेकिन खोने का डर नहीं है। ये अपन का इलाका है भाई, जिसे कहते हैं ना, तो अपने ही एरिया है, खोने का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम काफ़ी सुहाना है, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, जिस एरिया में हम रहते हैं ना, जहाँ हम अभी रहते हैं, वहीं पे हमारा एक छोटा सा प्लॉट भी है। तो अभी मैं उसी एरिया में वॉक कर रही हूँ, तो चलिए आज आपको अपना प्लॉट भी दिखाती हूँ। छोटा सा प्लॉट है लेकिन बहुत दिल से ख़रीदा था हमने ये प्लॉट, क्योंकि मुझे इस एरिया में प्लॉट ख़रीदने का मन था बहुत पहले से। तो ये प्लॉट हमने 2013 में लिया था, तो चलिए लेकर चलती हूँ आपको। ये देखिए गड्ढों का हाल। तो ये है वो एरिया जहाँ हमारा प्लॉट है। बस अभी प्लॉट के पास पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए आ गया हमारा प्लॉट, हर तरफ घर है, बस बीच में हमारा प्लॉट बचा हुआ है। और ये जो दीवार आपको दिख रही है ना, यहाँ से शुरू है। और ये गेट भी हमने अभी फ़िलहाल ही लगाया था लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी झाड़ झंकार अंदर हो गया है। वैसे तो हमने पूरी सफाई कराई थी लेकिन बारिश की वजह से दोबारा से यहाँ पे काफ़ी घास वगैरह उगाए हैं। तो ये है हमारा छोटा सा प्लॉट और चारों तरफ घर है, हर तरफ घर है, केवल हमारा प्लॉट बचा हुआ है बस। ये है, गेट में ताला है, चाबी लाना भूल गई मैं, कोई बात नहीं, बाहर से भी दिख रहा है। तो कैसा लगा हमारा प्लॉट? हमने ये बहुत दिल से ख़रीदा था। एक्चुअली मेरा बहुत मन था इस एरिया में घर बनाने का, और कम से कम एक प्लॉट ख़रीदने का, अगर घर नहीं भी बनाना हो तो एक प्लॉट ख़रीदने का बहुत मन था। और वो मेरा सपना पूरा हुआ 2013 में, तो तब हमने ये प्लॉट लिया था। और अभी तो सारा घर बन चुका है लेकिन केवल हमने ही नहीं बनाया अभी यहाँ पे घर, और अभी तो मन भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम ये फ्लैट खरीद चुके हैं। देखते हैं आगे का क्या होता है, फिलहाल तो ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, आज का रूटीन भी सेम रहेगा, पूरा दिन बस काम करना है। स्टॉल लगने का दिन पास आता जा रहा है और काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, तो आज भी पूरे दिन घर में ही रहूँगी। बस अभी वापस जाके फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके काम पे लग जाऊँगी। फिलहाल मैंने 4 किलोमीटर्स के करीब कर लिया है। हाँ, कल मेरे डैडी का श्राद्ध है तो कल मैं मम्मी के घर जाऊँगी, आज तो मैं पूरा दिन घर पर ही रहूँगी। तो बस यही रहेगा आज का रूटीन भी, बने रही है इस व्लॉग में मेरे साथ, घर पहुँच के आपको मिलती हूँ। रोड का हाल देखिए, इसीलिए आज रन नहीं कर रही हूँ, पूरा रास्ता ऐसा ही है। और मैं काफ़ी जल्दी शुरू करती हूँ तो जब मैं निकलती हूँ घर से तब तो काफ़ी अंधेरा होता है, तो अंधेरे में तो ये सब और नहीं दिखाई देता है, गड्ढा वगैरह। और सामने देखिए काफ़ी घने बादल हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। मैं तो फिलहाल 5 किलोमीटर कर चुकी हूँ, 2 किलोमीटर और करूँगी, आई जस्ट होप कि तब तक बारिश ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कभी भी हो सकती है बारिश, बहुत घने बादल हैं।
और सामने देखिए काली माता का मंदिर, ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर की भी बहुत ज्यादा मान्यता है। जय माँ काली। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और जैसा कि मुझे डर था हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। एनीवेज मैंने करीब 6 किलोमीटर कर लिए हैं, अब मैं वापस जा रही हूँ घर की तरफ। आई जस्ट होप कि बारिश तेज़ ना हो जाए। घर पहुँचते पहुँचते शायद 7 किलोमीटर हो ही जाएंगे, देखते हैं। तो मैं सोसाइटी के अंदर वापस आ चुकी हूँ, थैंकफुली बारिश तेज़ नहीं हुई और अभी मेरे 7 किलोमीटर भी कंप्लीट होने वाले हैं। 400 मीटर बचे हैं, वो मैं सोसाइटी के अंदर ही चक्कर मार के कंप्लीट कर लूँगी। तो बस मिलती हूँ आपसे घर पहुँच के। चलिए, घर आ गई हूँ, डिटॉक्स पानी ले लिया है और अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी, या तो लंच से पहले या लंच के बाद। काम तो वही है सेम, खजूर रोल्स बनाने हैं, कुकीज बनाने हैं, और वो दिखा दिखा कर मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, दिखाने लायक हुआ तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अच्छा, मैं सुविधा सुपरमार्केट जा रही हूँ क्योंकि खजूर ख़त्म हो चुके हैं मेरे पास और लगातार बन रहे हैं खजूर रोल्स, तो अभी मुझे थोड़े से और बनाने हैं खजूर रोल, तो मैं खजूर लेने जा रही हूँ। और देसी घी ख़त्म हो गया है, और क्या, ओट्स, क्योंकि मैं ओट्स कुकीज़ बना रही हूँ वहाँ स्टॉल में रखने के लिए, तो ओट्स लेने हैं मुझे, देसी घी लेना है और खजूर लेने हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पहुँच गई हूँ मैं सुविधा सुपरमार्केट, अंदर चलते हैं। तो ये रहे खजूर। तो सामान ले लिया है मैंने सारा, चलिए घर चलते हैं अब। और सुविधा स्टोर के बिल्कुल सामने देखिए मेरे पीछे सब्जी की दुकान है, तो मैंने वहां से नारियल पानी लिया है अपने लिए। तो सुविधा से खजूर भी ले लिया, पपीता भी ले लिया सब्जी की दुकान से, नारियल पानी भी पी लिया। अब सोच रही हूँ घर जाने से पहले ना हेयर ट्रिमिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि ट्रिप में जाने का टाइम भी आ रहा है। तो बस ज़्यादा नहीं कटवाऊंगी, हल्का हल्का सा कटवाऊंगी, और स्टाइल तो मेरा हमेशा सेम ही रहता है, बचपन से सेम स्टाइल है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सैलून जो है वो मेरे घर के पास ही है, तो बस 1 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये है आफरीन यूनिसेक्स सैलून, यहाँ आती हूँ मैं हर बार, मेरे घर के काफ़ी पास है। तो चलिए चलते हैं अंदर। Do you want to know? Bright as the sun, come won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter. अच्छा, मैं अभी भी सैलून से वापस आई हूँ और मैंने आपको वहाँ पे अपना फाइनल लुक इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि देखिए कोई फाइनल लुक हुआ ही नहीं। जैसे ही वो मेरे बाल ब्लो ड्राई करने लगा ना, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उनका शॉर्ट सर्किट कुछ तो हुआ, पूरे उनके सैलून की लाइट ही उड़ गई। तो 15-20 मिनट तक तो वो चेक करते रहे, फिर कहते रहे मैम बैठिए बैठिए अभी ठीक हो जाएगा, हम आपका कर देंगे। बट 15-20 मिनट तक तो मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने कहा भैया रहने दीजिए, मैं घर जाकर खुद ही कर लूँगी ब्लो ड्राई। तो बस मैं ऐसे ही वापस आ गई। देखिए कुछ है, मतलब स्टाइलिंग नहीं हो पाई, कट तो हो गया, हल्का सा ट्रिम ही करवाया लेकिन स्टाइलिंग नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, चलता है, ये ट्रेजिडीज़ तो मेरे साथ होती रहती हैं, इस तरह की ट्रेजिडीज़। तो फाइनली घर आ गई हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और देखिए ये करीब 6.5 किलो खजूर रोल मेरे आज तैयार हो गए हैं, आज दिन में ही मैंने सारे खजूर रोल बना लिए। तो खजूर रोल तो मेरे दिन में ही बनकर तैयार हो गए, तो शाम को मैं सोच रही हूँ थोड़े से कुकीज़ बना लूँगी। और मैंने अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगाया था, वो आज मुझे डिलीवर हो गया है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। तो चलिए शुरू करें अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये मोबाइल स्टैंड,
ये मैंने किरण के पास देखा था, वो रील्स वगैरह काफी बनाती है, तो क्या करती है कि मोबाइल को इस तरह से यहाँ प्लेस कर देती है और फिर इसे जहां रखना होता है वहां रख देती है और अपने रील्स वगैरह रिकॉर्ड करती है। तो काफी यूजफुल चीज है अगर आप यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम में एक्टिव है तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए काफी अच्छी चीज है। तो काफी सस्ता भी है, 290 समथिंग का है। तो एक तो मैंने ये लिया और फिर उसके बाद मैंने लिया है ये सेल्फी स्टिक, ये भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काफी काम आता है। तो देखिए ये इस तरह का है और ये एक्सटेंडेबल है, तो यहां आप अपना कैमरा फिक्स कर दीजिए। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइट है, ये देखिए, और ये लाइट का जो शेड्स है वो चेंज होते हैं। अभी आपको ये व्हाइट लाइट नजर आ रही है, अभी येलो नजर आएगी, ये देखिए। और ये ब्लिंक भी करता है, ये देखिए। तो ये हो गई सेल्फी स्टिक और ये चार्जेबल है, इसके साथ ये केबल मिलता है तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप हाथ में पकड़कर करते हैं तो बहुत दूर तक का पीछे का जब आप कवर कर रहे होते हैं तो बहुत पीछे तक का कवर नहीं होता और आपका चेहरा भी बहुत पास नजर आता है। तो अगर आप ये सेल्फी स्टिक से करेंगे तो आप थोड़ा दूर तक इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये है 590 समथिंग का, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। देखती हूँ कैसा है, ये यूज करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया है, रिव्यू वगैरह पढ़कर ही मैंने लिया है, अमेजोन से लिया है। तो ये हो गई मेरी सेल्फी स्टिक। और तीसरा सामान मैंने लिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा स्टॉल लगने वाला है तो उसमें मैं कुकीज भी बना रही हूं, तो कुकीज के लिए मैंने ये पैकेजिंग बॉक्सेस मंगाए हैं, दिखाती हूं आपको। ये देखिए, ये इस तरह का पैकेज है और एक में 20 पैक्स हैं इसमें। तो मैं आपको इसको बनाकर दिखाती हूं कि कैसे आप इसको फोल्ड करके बॉक्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह का ये इंडिविजुअल ये बॉक्स है, इसको आपने असेंबल करना होता है, बहुत इजी होता है। आपको यहाँ पे ये लाइंस नजर आ जाएंगे, तो जहां जहां पे लाइंस है वहां से आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। और बस ये हो गया आपको कुकी बॉक्स तैयार। ये देखिए, ये देखिए। तो बस ये थी मेरी आज की शॉपिंग और आज का व्लॉग भी मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।